तो गाइस, ये रहा वो सूट जो हम शॉपिंग करके आए। ये उसका कुर्ता है, ये उसका प्लाजो है ट्राउजर, और ये उसका दुपट्टा। तो ये हम गिफ्ट कर रहे हैं भाभी को, मम्मी लवी और मेरे तरफ से। ठीक है गाइस। गाइस देखिए, अभी भाई आज जा रहा है वापस, तो हमने घर की मिठाई पैक कर दी जो हमने बनाई थी। एक गुलाब जामुन और मोदक और नारियल तो एक पापा को दे देंगे और मम्मी पी लेगी, और ये थोड़ा सा नमकीन हम भेज रहे हैं। बाकी ये तो फ्री आया, ये कैसे करना है? ये तो नहीं, कैसे करना पड़ेगा इसे? इसके साथ फ्री है। मैं चाय हटा दी। गाइस ये मेरा भाई, इसका दिल नहीं लगा, ये कह रहा मेरे से नाराज आ रहा, तो ये जा रहा है वापस पंजाब। हाँ तो आज इसकी ट्रेन, हमने तो कल ही बुकिंग करवा दिया था, संडे वाले दिन निकलवाना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी कह रहा मुझे जाना, बच्चों जैसे करने लग गया, मुझे जाना 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 क्या, 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 दिल नहीं लगता इसका। एक्चुअल मैं आपको बता ही चुके कि वहाँ यहाँ का और वहाँ का वातावरण का थोड़ा फर्क है, घूमना फिरना, और ये थोड़ा लॉन्ग मतलब चलता है ना, इसको चलने को नहीं मिल रहा है इधर, तो फिर इसलिए दिक्कत हो रही है। तो ये मेरा भाई जा रहा है आज, कल परसों तक पहुँच जाएगा हम सब, ठीक है ना? ओके गाइस, फिर दिल लगा। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे एडजस्ट करना नए लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए भी होता था जब मैं आया था पंजाब से। तो मेरे साथ तो जे थी, तो मेरा तो सफ़र कट गया, मैंने तो देखा नहीं कि मौसम कैसा है, धूप कैसी है, बारिश कैसी है, मुझे कुछ नहीं पता लगा था, जे थी मेरे साथ। तो नए इंसान के लिए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, वैसे भी बहुत लोग समझेंगे कि सच्ची में हर किसी का दिल नहीं लग सकता मुंबई में, क्योंकि वो एक्चुअली में वो तो काम भी है उसका पंजाब में। तो ये मेरी पूजा पे आया था, तो बस बहुत बड़ी बात है कि बेचारा आ गया। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब वो सिंपल सा है यार, इसको कहीं दिल में। तो बाकी मैं अभी आज मैं बहुत लेट उठा हूँ सच बोलूँ तो, मेरे को इतने दिनों से जो मैं नींद में रहा था, जल्दी उठ जाना, इधर उधर जाना, दिमाग जब दिमाग थक जाता है तो बॉडी अपने आप ही जवाब दे देती है, तो मेरा दिमाग थक चुका था, बहुत ज़्यादा भागम दौड़ ये वो, तो रेस्ट नहीं मिला था, तो मुझे जे ने उठाया भी नहीं, रेस्ट तो जे ने भी नहीं ली सच बोलूँ तो, लेकिन उसने अपना फ़र्ज पूरा निभाती है वो। मैं थोड़ा सा फर्ज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आज लेट हो गया थोड़ा सा उठने में, उसने बढ़िया उसका तो वही रूटीन है, सुबह उठ के नाश्ता पानी बनाना, चारी ने फिर पिक किया, बहुत मैं सलूट करता हूँ जेनू को, तो उसने सब कुछ हैंडल कर लिया, नहीं तो आज मैं पहली बार थोड़ा सा लेट उठा, वैसे यार हिम्मत ही नहीं रही थी, सॉरी मैं अपनी जे को भी बोलूँगा सॉरी, क्योंकि हम कभी लेट, जब मुझे हमने लेट उठते नहीं है, बहुत रेयर है, आपको पता ही सैटरडे संडे ही लेट उठना होता है, नहीं तो मैं लेट उठता ही नहीं हूँ, लेकिन आज संडे वाले दिन, क्योंकि संडे के बाद मैं उठ गया ना जल्दी, तो वही चीज़ आ गई, सैटरडे संडे मैं सोया नहीं अच्छे से, तो मंडे को फिर वही हो गया, मैं लेट उठा। तो पप्पा जी का चलो कोई बात नहीं, हो जाता है उसको, सब जिनने भी मिठाइयाँ मिठाइयाँ यहाँ से जो भी बनाई थी वो, और थोड़े से मतलब पैकिंग करके सब कुछ दे दिया, अच्छा है वहाँ पे खाएंगे मुंबई की मिठाई। और क्या होता है, ऐसे ही होता है यार, कोई खा लिया उधर हाँ जी क्या क्या भेजा क्या भेजा क्या भेजा, तो ऐसे। तो भाभी के लिए कल हमने एक सूट लिया था, तो वो पहन लेगी भाभी, ठीक है फिर अब क्या हो गया है ना, अच्छा सूट है, बहुत अच्छा सूट है, कलरफुल सा सूट है, भाभी को जचेगा भी, तो आप लोगों ने तो भाभी को देखा ही है, तो बस ऐसे ही है वो, ऐसी से बंद। हेलो भाई, हाँ मेरा भाई जा रहा है, अभी बोले क्या बोलना था, क्या बोलना भाई, हमें बहुत खुशी हुई यहाँ आके, नंद मंगल पर बहुत सेवा की, लेकिन मैं तुरने फिरने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं पंजाब में खुला रहने वाला जा रहा, तो आप जो सब को कुशल मंगल, जय बाबा गणपत बाबा, मोरिया चलो जी, चल लिया चारा के, ओके सेवा की टीम चल आ जा भाई, मोरिया भी मोरिया, बहुत सेवा की, अपने भाई को तो ओला में बैठा दिया, ड्यूटी स्टेशन में जाएगा तो वहाँ पे वो
आराम से सब कुछ वगैरह को मैंने उसको समझा दिया, सब समझदार है वो, अपना आराम से पहुंच जाएगा। उसका बहुत तो अभी बहुत टाइम है ट्रेन में, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ट्रैफिक में मिलता तो भी उसके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा है, तो अपना आराम से वहाँ पे ठीक ठाक पहुँच के मैंने उसको बोला मुझे फ़ोन कर देना। तो बाकी यहाँ पे जो ऊबर होते हैं वहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं होता, बस टैक्सी वाला होता है स्ट्रेस। ऊबर वाले का मेरे पे लाइव लोकेशन चल रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, आराम से पहुँच गया, मैं आ गया घर पे। ये ले इसने खुला ही छोड़ रखा था। ये होते भागन। तो गाइज आप लोगों को पता है भाई चला गया है, 2 घंटे से मैं अपनी बहन के साथ बातें कर रही थी फ़ोन पे, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो अभी लवी गया हुआ है, शाम ऑलरेडी हो चुकी है, लवी गया हुआ है मार्केट फूल लेने, क्योंकि कल अच्छे नहीं मिले थे तो आज शायद अच्छे मिल जाए। तो मैं घर पे हूँ, आज मेरे बैक में मतलब स्पाइन में इतना पेन है, तो मैंने ये बहुत लगाया है। और जब मैं लेट रही हूँ तो भी मेरे को पहले ऐसा होता था, मैं लेट जाती थी तो पेन टिक जाता था, लेकिन आज ऐसा हो रहा कि मैं लेट के भी मेरा पेन बंद नहीं हो रहा, बहुत पेन है। तो जब लवी आ जाएगा तो फिर देखते हैं, फिर मैं चाय बनाती हूँ लवी आ जाए तो। मम्मी अभी सो रही है क्योंकि भाई अभी चला गया, तो जब तक वो नहीं गया तो मम्मी तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि सही सलामत पहुँचेगा ये वो, तो हर किसी को हो ही जाता है, फैमिली मेम्बर्स को लेके तो सबको होता ही है कि सही सलामत पहुँचे। अभी हमारे को भी है स्ट्रेस कि सही सलामत, क्योंकि यहाँ के कैब्स वाले ऑटो वाले बहुत ही ज़्यादा घुमाते हैं, बहुत लंबा बिल बनाते हैं। 1 मिनट, लवी का फ़ोन है। हाँ मैं आया था फूल लेने, बस माला भी बन रही, क्योंकि कल हमें टाइम पे मिला नहीं था, सब बिक गए थे, तो आज मैंने कहा फटाफट जाके मैं तो अभी रेडी करवा रहे फ्रेश वाली माला, जो जो चाहिए थी मैंने ले लिए। ये देखो बन रही है फ्रेश, ये फ्रेश बन रही है मरियम मस्त, कल नहीं मिला था यार हमें। ऑटो में आना पड़ रहा है स्कूटरी का, वो आगे वाला थोड़ा सा फ्रंट का पता नहीं टायर पे घिस रहा है, तो उसको भी देना मुझे। मुझे लगा था मंडे है तो मंडे को यहाँ पे ना बंद रहता, लेकिन आज उसका शॉप खुला था, तो मैं अभी जाके ना उसको पहले तो एक्टिवा भी दे दूँ, कल तक मुझे एक्टिवा वापस कर देगा, फिर ठीक कर देगा। यही है लेनी है सब्जी भी ले ली, क्योंकि बच्चन वगैरह अभी आए हैं मार्केट में तो ले ही लेते हैं, टाइम नहीं लगता, फिर बन गया सब्जी ले ली, फूल भी ले लिए, सब हो गया। आज टाइम से सब कुछ हो जाए तो कल बहुत हुआ कि फूल अच्छा नहीं मिला, मतलब ऐसा नहीं है कि मिले नहीं, मिला था तो यहाँ भी सब ले गए, जो भी चीज़ चाहिए ना सब ले गए। Thank you.
गणपति बप्पा के जय जयकार। बप्पा जी का भोजन तैयार हो चुका है, अभी ये परोसने जा रही है भोजन। हाँ जी, आ जाओ जी, चलो जी। बप्पा जी को भोजन अर्पण कर रही है जेनू। गाइस, मैं आया था तबेले में, आप लोगों को पता नहीं, फेंकते नहीं है, तो गाँव को ही देता हूँ मैं। और जेनू अभी घर पे है, तो मैंने जो भी पूरियाँ पारियाँ इतने दिन की थी, तो मैं सबको गायों को बांध दिया है, सबने खा लिया है। और ये एक नई गाय आई है यहाँ पे, और ये नई पुरानी गाय, ये वाली छत्ती सी गाँव में ही आई है ये, तो इसको मैंने दिया है भोजन, खा रही है गाय। ये पता नहीं कहाँ जाए, ये नहीं है, तो इसको मैंने पहले सबको वाले इसको दिया खा ले। कल तू नहीं थी, तू नहीं है क्या? ये बढ़िया, इतना बड़ा बड़ा पोचुआ है इधर। अरे क्यों खाने दो, गाय खा रही है, क्यों उठा दिया? अब तो बेले वाली से ना मेरा लड़ाई होने वाला था कसम से। अभी पप्पा रखे हुए हैं घर पे, तभी मेरा ना मैं चुप हो जाता हूँ। उसको गाय को बैठी हुई कहती हमारा गाय नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया इसको, मैं उसको मेरे सामने भगा रही है, तो मुझे गुस्सा आया, तभी मैंने वीडियो बंद कर दिया। मैं बोला उसको, तुम लोग इनकी कमाई खाते बेजुबानों की, और अगर थोड़ी सी जगह दे भी दोगी क्या जाएगा, मैंने बोला ना वो नहीं थी, तभी भगा दिया उसको। इतनी तो ये है, फिर कहते जिन बोलते फिर मत लड़ो। मैं लड़ता नहीं हूँ, मुझे गुस्सा आता, उसको भी गुस्सा आ जाता अगर वो होती तो। पप्पा रखे तभी मैंने उसको ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मैं कहा शर्म कर, ऐसे करते हैं बेजुबानों पे यार, उसकी खुद की जगह भी नहीं है वो। चलो कोई बात नहीं, जितना उसने लिखा था उसका पेट में खा लिया उसने, भगवान उसको अच्छी जगह दे दे, मतलब अच्छा जगह बैठने के लिए, से लोगों को ना भगवान ही देखेंगे। बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे मुझे, बहुत ज़्यादा। मिलता हूँ घर पे। गाइस ये हमारी बिल्डिंग की पप्पा जी हैं, ये देख लीजिए, बहुत प्यारे हैं, ये भी बहुत प्यारे हैं, इतना प्यारा लग रहा है। इस बार बहुत अच्छा लेके आए हैं पप्पा जी को, इतना अच्छा सजावट करा, देखिए माथा टेक लीजिए, मैंने तो टेक लिया, बहुत प्यारे। तो गाइस मैं यहाँ पे लेटे हुई हूँ, अभी जस्ट आई हूँ मैं, लवी अभी भटक रहा है इधर से उधर, कभी घूम रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो मैं जस्ट अभी आई हूँ, जस्ट अभी, मतलब खाना खा के बर्तन रख के किचन में थोड़ा सा सेटिंग करके, लवी पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और मम्मी ने भी खाना खा लिया, और अभी वो भी रेस्ट कर रही हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा मस्ती किया था आज भी। बहुत सारे लोग विसर्जन पे, यू नो, वो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ताशे, बहुत अच्छा लगता है। इस बार हमने थोड़े चेंजेस किए हैं, क्योंकि मम्मी की वजह से भी और मेरे वजह से भी, तो और तो कुछ नहीं, और आपके कमेंट्स देख के तो बस दिल ही खुश हो जाता है। इतना हौसला, इतना सपोर्ट, इतना प्यार आप लोगों की तरफ से, पूछिए मत। और मेरी बहन से मेरी बात हुई थी आज, हमने आई थिंक सो काफ़ी दिनों बाद बात की, तो हमने 2 घंटे बात किया, 2 घंटे लवी तो बोर ही हो गया था, वो भी शाम को ही किया था, मतलब आई थिंक सो 5 बजे से लेके पता नहीं 7 बजे तक, तो तब लवी निकल गया था और फूल वगैरह लेने गया था, तो आज मैंने 2 घंटे बात किया। तो सही है, लवी तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, उसका हेड पेन इतना है ना, इतना हेड पेन हो रहा है कि ना हेड पेन जा नहीं रहा, उसने टैबलेट भी खा ली हेड पेन की। मैंने उसको बोला भी था कि अब और मत खाना, उसका हेड ना यहाँ से यहाँ पेन कर रहा है, यहाँ से यहाँ पेन कर रहा है, ये चीज़ पेन कर रहा है, मुझे बोल रहा था। तो ऐसा ही होता है यार। और हाँ, और हम दोनों इतना खा रहे हैं ना, मैं तो वैसे स्वीट्स वगैरह खाती नहीं हूँ, बट जो छोले पूड़ियाँ ठूस रहे हैं, और जितना भी यू नो भोजन है, 3-3 रोटियाँ मैं खा रही हूँ, माई गॉड, पूछो ही मत यार। हम दोनों तो बहुत मोटे हो रहे हैं, मुझे लगता है लवी के बर्थडे से पहले जो हमने शॉपिंग की थी, मुझे लगता है वो कपड़े फिट ही नहीं होंगे,
माय गॉड, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। यार मेरा फोन चार्ज पे लगा हुआ है, मेरा फोन क्या ना लेते ना। ये भी भटक रहा है इधर से उधर, बूंदला पड़ा है। 10 बज गए यार, देखना मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। पूरा कालस चल गया मेरे फेस। कालस नहीं है ये, वो अगरबत्ती का वो। हाँ, वो पूरा जो धुआं होता है पूरे घर में काला काला हो गया। कोई बात नहीं। हाँ जी, तो गाइस इसने अभी फोन पकड़ लिया क्योंकि जिस हिसाब से मैंने पकड़ रखा था हमें सदमा लग रहा था। फिर उनको सुनाई नहीं देता ना, फिर हम अच्छा इधर आ जा। तू येलो में रेड नहीं, वो धुआं का वो चढ़ गया। नहीं वैसे भी तो येलो है मेरे से, मैं रेड हूँ। तो गाइज आप लोगों को ये बोलना था कि हाँ। हमारे क्रिश्चियन में भी हमारा फेस्टिवल चालू है, मदर मैरी का बर्थडे है। 8 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक उनका जो फीस्ट है, जो कहते हैं मतलब जैसे आप यही लगा लो कि जो त्योहार है आठ, वो इतने दिन चलेगा 8 से लेके 15 सितंबर तक। तो आई होप हम लोग जा पाए और जरूर जाएंगे माउंट मैरी, और मैं बहुत खुश हूँ। मदर मैरी ब्लेस एवरीवन एंड हाँ, वो हम सबकी माँ है और इसलिए उनको मदर मैरी ही बोला जाता है क्योंकि वो माँ है हमारी सब। और आवे मरिया, तुम्हें कोई देख के जज थोड़ी कर पाएगा जनो कि तू क्रिश्चियन, बताने से पता लगता है तू क्रिश्चियन। जो तेरे बस तेरी लैंग्वेज जो तू यूज करती है, बाकी तो पूरी तू इंडियन बनी पड़ी है। देखो आपका पार्सल, आपको फोन आया ना डिलीवरी गाय का, तो प्लीज आप उनसे, अगर शॉप बंद है क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है तो कभी कभार टाइमिंग्स थोड़ा ऑफ ऑन हो रहा है क्योंकि हर कोई यहाँ पे लेट उठ रहा है, कोई किसी का दुकान लेट खोल रहा है। जैसे मैं हमने कल के ब्लॉग में बोला काफी दुकानें बंद भी पड़ी थी। कल गुड नाइट ही बोलना भूल गए। हाँ, कल गुड नाइट बोले नहीं, मैं आते ही मैं इसका वेट कर रही थी कि आ जाए तो हम लोग गुड नाइट, और मैं लुढ़क गई, मैं सो गई क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगा, मैं सो गई। तो इस मुद्दे पे आते हैं कि अब डिलीवरी गाय आएगा, आपको फोन करेगा, अगर बाय चांस शॉप बंद हुआ तो उसको प्लीज उसका नंबर ले लीजिए या उसको बोलिए आप अपना जहाँ पे ये डिलीवरी का ऑफिस है उसका पूरा एड्रेस आप लेके कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, फिर हम किसी को भेज के पूरी जानकारी ले लेना कि हम जब जाएंगे तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज मिलेगा। अगर हम किसी को भेजेंगे पार्सल के, क्या क्या फॉर्मेलिटीज देना पड़ेगा पार्सल लेने के लिए, ठीक है, जो डिलीवरी गाय होगा, है ना, सही है ना। डिलीवरी उसका ही मतलब लड़के का जो डिलीवरी करने वाला उसका आप नंबर ले लेना। हाँ। उसको बोलो अगर आप पार्सल पहुंच गए तो ठीक है, अगर वो नहीं तो जिस ऑफिस में वापस करेगा तो उसका भी आप ले लेना एड्रेस कि भैया कहाँ एड्रेस है। तो चलिए फिर गाइज, गुड नाइट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ तो गाइज इसका हाथ तकने लगे तो हम जल्दी जल्दी व्लॉग एंड करेंगे। तो भाई को हमने भेजना नहीं था इतना, लेकिन एक्चुअली वो टिकट भी नहीं मिल रहा था, जैसे उन्होंने कहा कल का ही चाहिए, और उनको ना जैसे आप लोगों को बताया था वो तो एसी वेसी ये सब नहीं पसंद करते, उनको घुटन हो रही थी तभी तो वो बाहर ही बैठे थे। अब वो आए थे वो सिंपल जो स्लीपर वाले होते, क्योंकि उनको ये है कि मुझे एसी नहीं चाहिए, अब वो मजबूरी में एसी गए और उनको फिर रवि ने ब्लैंकेट भी दिया कि चलो वो, लेकिन मेरा दिल कह रहा है वो एसी में भी ना चलते फिरते रहेंगे ना, क्योंकि हैबिट ही नहीं है। तो बड़े मुश्किल से क्योंकि जो स्लीपर मिल रहा था वो कल के लिए मिल रहा था, मतलब परसों के लिए जब हम निकले, लेकिन जो एसी वो नहीं रह रहा था भाई, वो कह रहा नहीं मेरे को जाना है। हाँ। हैबिट नहीं है ना उसको। तो फिर हमने तो बोला कि जो कल का आपको, अगर आपको कल जाना है तो कल का एसी का ही मिल रहा, तो उन्होंने भी मजबूरी में बोला हाँ मैं एसी में सफर कर लूंगा लेकिन मुझे जाना है। और लेकिन एसी में बैठेगा नहीं, वो चलता फिरते रहेगा पूरी रात, क्योंकि एसी का उसको हैबिट ही नहीं है। मम्मी तो काफी बार आ चुके तो मम्मी को तो आदत है, पर मम्मी भी बाहर ही बैठते हैं ज्यादा। हाँ। कर तो रात को बिल्कुल सोने के टाइम पे अंदर आ जाती है। हाँ। मम्मी क्या करें, ऐसी तो है, पिंडा वाले हेमे होंगे है, पिंडा वाले सिद्धे होंगे है, पिंडा वाले शरीफ ही होंगे, गाँव वाले ऐसे ही होते हैं, उनको कोई कुछ नहीं है, किसी का घर का सिस्टम खराब हो रहा है, किसी को अंदर ऐसे मिट्टी आ रहा है, उनको कोई नहीं आ रहा है भैया, हम वो अपना देखते हैं ये। तो चलो कोई बात नहीं, फैमिली के साथ टाइम बिताना भी अच्छा लग रहा है। बाकी तो आगे पप्पा जी सब पे मेहर करें, सबकी विशेष पूरी करें, लव यू ऑल, तो टेक केयर, गुड नाइट गाइस, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओके गाइस फिर बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शक्कर पड़ा गाइस, चलिए।
जी, ओके बाय, सी या। ओ ओ ओ, अच्छी लग रही है रेड लिपस्टिक। कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा नहीं है? मेरा कहने का मतलब कोई फायदा नहीं है, जो तू इतना उकड़ा उकड़ा सा है मेरे साथ, बंद करिए। उकड़ा उकड़ा यार, ये बड़ा पंगा, उकड़ा उकड़ा हूँ।